गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो पिछले दिन संज्ञा पढ़े थे, तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि व्याकरण एक ऐसा विषय वस्तु है जिसका एक दूसरे से परस्पर संबंध हमेशा बना रहता है। तो सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम सर्व में देखना है। सर्व मतलब शब्द का सर्वनाम मतलब क्या हो जाएगा? सबका नाम। तो संज्ञा मतलब होता है सब नाम। संज्ञा मतलब क्या? सब नाम आप लोगों ने पढ़ा। और सर्वनाम मतलब सबका नाम। सर्वनाम तो सर्वनाम का परिभाषा, सर्वनाम कहते किसे, इसका परिभाषित रूप क्या है? तो हम यहां देखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम जाता, जैसे राम जाता, तो राम के जगह पर हम बोलते हैं कि वह जाता है। तो वह क्या है? सर्वनाम। तो वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं तो ये भी जानना आवश्यक है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन है। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। अब हमें समझना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। अब क्या समझना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है?
पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे वाक्य जिनमें तीनों पुरुष उपस्थित होते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर समझना है कि जैसे हम एक वाक्य के द्वारा आप लोग को बता रहे हैं, जैसे वह ईमानदार है, वह ईमानदार। अब इसमें तीन पुरुष कैसे उपस्थित है? अब समझने की बात यह है कि इसमें तीन पुरुष कैसे उपस्थित हम लोग मान लेंगे। यहां पर लिखा हुआ वह ईमानदार है, तो आप लोग जानते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। तो वह ईमानदार है, यह कौन कह रहा है, यह मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वह ईमानदार है। तो कहने वाला कौन, मैं, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। सुनने वाला, सुनता कौन है, तो आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो, मध्यम पुरुष हो गया। और जिनके बारे में मैं कह रहा हूं वह ईमानदार है, तो जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वह कौन है, अन्य पुरुष है। तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं पुरुष, तीन प्रकार के। उत्तम पुरुष कहने मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा। तो उत्तम पुरुष कौन हुआ, कहने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो और मैं किसी और के बारे में बता रहा हूं, तो कहने वाला उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो यहां पर वह क्या हो जाएगा, वह बोल कौन रहा है, वह ईमानदार है, मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, एक पुरुष तो इसमें विद्यमान हो गया वैसे। और सुन कौन रहा, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग मध्यम पुरुष, दो हो गए, अन्य पुरुष वह ईमानदार है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूं वह ईमानदार, यह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाए। इसमें तीनों पुरुष विद्यमान है, इसमें तीनों पुरुष विद्यमान है। तो अब हम आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है।
एकदम साधारण चीज है, सिर्फ समझने की बात है। निश्चय वाचक, वाचक मतलब बोध कराना। आप लोग को मैं पहले बता दिया हूं कि वाचक मतलब होता है बोध कराना, और निश्चय मतलब निश्चित। तो निश्चितता का बोध कराने वाला, निश्चितता का बोध कराने वाला शब्द, बोध कराने वाला शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो निश्चितता का बोध कराने वाला वह शब्द जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति को बोध कराता है, तो वह क्या कहलाएगा? निश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, मेरा घर, एकदम बिल्कुल यहां पर निश्चितता का बोध है कि यह घर किसी और का नहीं है, यह घर किसका है? यह घर मेरा है। यह जो घर है वह किसी और का नहीं है, यह मेरा ही घर है, यह मेरा घर है। यहां एकदम निश्चितता का बोध कराया जा रहा है। तो यही निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसके बाद हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पर आते हैं। अनिश्चित कोई भी चीज निश्चित नहीं है उसको बोध कराता है, वही क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चितता का बोध कराने वाला शब्द अनिश्चितता का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? अनिश्चयवाचक नहीं, निश्चित बोध कराना, किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं कराने वाला, यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं? अनिश्चितता का बोध कराने वाला शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे इसका, जैसे मैं कोई जा रहा, कोई जा रहा, चाय में कुछ गिर गया, चाय में कुछ गिर गया, इसका हमें ये याद रखना है, कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ अगर वाक्य में आ रहा है तो समझ जाइए वहां अनिश्चयवाचक है। कोई जा रहा, हम जानते नहीं कि कौन जा रहा, कोई जा रहा, इसमें कोई निश्चितता का बोध नहीं। चाय में कुछ गिर गया, उनको कुछ पता नहीं है कि चाय में क्या गिरा है, कुछ गिर गया, यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। इस चीज को याद रखना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अगर कोई कुछ अगर वाक्य में आ जाता है तो हमें समझ जाना है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
तीसरा चौथा संबंध वाचक सर्वनाम। यह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संबंध वाचक मतलब बोध कराना, संबंध को बोध कराने वाला सर्वनाम क्या कहलाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो संज्ञा और सर्वनाम के बीच जो संबंध का बोध कराता है वही संबंध वाचक सर्वनाम कहलाता है। तो संबंध का बोध कराने वाला सर्व संबंध का बोध कराने वाला शब्द संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक है। अब यहां पर संबंध स्थापित हो रहा है, वह मेरी पुस्तक है। पुस्तक किसकी है? मेरी है। पुस्तक किसकी है? मेरी है। यहाँ पर पुस्तक का संबंध मेरी से है कि वह जो पुस्तक है वह मेरी, वह दूसरे किसी और का नहीं, वह मेरी पुस्तक। संबंध है पुस्तक और मेरी में। अब जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। संबंध है कि लाठी जिसके पास है उसका यह भैंस है, यह स्पष्ट हो रहा है। अब इसमें कुछ हम देख लेंगे कि का के की, का के की रा रे री न ने। अब जिसका यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो का की आ रहा, हम समझ जाए कि यह संबंध बोधक का। रारे री रो आ रहा, री रो री का री री, हम समझ जाएंगे यह। तो का के की रा रे री न ने नी, ये तीनों चीजों को याद रखना है। अगर यह बीच में आ जाए शब्द में अगर आता है तो हमें समझ जाना है कि यह संबंध वाचक शब्द है। इस चीज को समझ करके दिमाग में बनाए रखना। तो संबंध वाचक सर्वनाम संबंध का जो बोध कराता है, ऐसे शब्द जो संबंध का बोध कराता है, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध कराता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का बोध कराने वाला शब्द संबंध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह मेरी पुस्तक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इसका एग्जाम्पल है। और इन तीनों चीजों को याद रखना, काके की रावेरी लावेनी, जिस चीज से उसका संबंध है वहां देखना है कि ये तीनों, ये नौ वर्णों में कोई वर्ण तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो हमें समझ जाना है कि वह संबंध वाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक प्रश्न, आप समझ रहे हैं प्रश्न वाचक बोध कराना, बोध कराने वाला। तो प्रश्न का बोध कराने वाला
वह शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम वह शब्द जो प्रश्न का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्न का बोध कैसे होगा? हम लोग किस वाक्य से जानेंगे कि प्रश्न का बोध हो रहा? तो जैसे क्या कब क्यों कहां ये सब प्रश्नवाचक में आता है। इसमें कब क्यों क्या कैसे कहां इन सभी शब्दों से प्रश्न का निर्माण होता है। कहां कौन जैसे वह कौन है? वह कौन कौन है? कोई तो है। हम पूछ रहे वह कौन है? मैं नहीं जानता हूं कि यहां प्रश्न निकल रहा है। वह कौन है? कौन है? राम क्या करता है? क्वेश्चन बन गया। वह कब जाएगा? सबसे प्रत्येक वर्ड से आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो इस चीज को याद, ये सब प्रश्नवाचन के को पहचानने का, कब क्यों क्या कैसे कहां कौन इसको याद रखना, इसी से प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा। छठा निजवाचक सर्वनाम। बहुत सरल है, निज स्वयं वाचक बोध का। स्वयं का बोध कराने वाला वह शब्द जो स्वयं का बोध कराता है। उसे निजवाचक सर्वनाम वह शब्द जो स्वयं का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझने की बात है कि जैसे मां ने आकर कहा कि बेटा दूध पी लो, तो लड़का बोलता है कि रहने दीजिए मैं अपने आप पी लूंगा। तो यहां अपने आप शब्द क्या है? अपने आप मतलब स्वयं का बोध करा रहा है। तो स्वयं का बोध करा रहा है तो वह क्या हो जाएगा? प्रश्न में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसमें आदर हेतु आप का प्रयोग किया जाता है। हम जब किन्हीं का आदर करते हैं तो वह वहां पर हम लोग आप का प्रयोग करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाएगा? वह शब्द जो स्वयं का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप
पढ़ लूंगा। मैं अपने आप पढ़ लूंगा, यहाँ अपने आप स्वयं का बोध करा, मैं स्वयं से ही पढ़ लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने आप पढ़ूंगा। इसका एक जवाब। अब हम सारणी के रूप में आपको सर्वनाम के बारे में बता देते हैं, जिसको आप लोग समझ करके उसको रखना, समझ लेंगे, याद रहेगा, कभी दिक्कत नहीं। सर्वनाम का प्रकार, नाम का प्रकार वाचक शब्द, तो सर्वनाम का प्रकार आप लोग को हम पढ़ाए, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक शब्द, तो इसमें तीनों पुरुष की उपस्थिति होती है, उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। तो पहला प्रकार क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा क्या है, पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या है, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक। अब है वाचक शब्द, मैं, हम, तुम, आप, मैं, हम, तुम, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का वाचक शब्द है। यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसमें मात्र दो ही आता है, कोई, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, मात्र दो आता है वाचक शब्द, कोई, कुछ। और संबंधवाचक सर्वनाम, जिसका, जिसकी, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिन, जिनकी। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे,
और निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में आ। तो ये सारणी है और इसको आप लोग समझ लेंगे। सर्वनाम में कभी कोई परेशानी नहीं होगी अगर इस चीज को आप लोग ढंग से समझ लेंगे। तब तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। उसके बाद अगले दिन हम आप लोग को बताएंगे विकारी शब्द, विशेषण, विशेषण के बारे में बताएंगे।